राज्यसभेत भाजपा खासदार नारायण राणे यांनी देशांतर्गत आणि विदेशी गुंतवणुकीसंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले. याला केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी समर्पक उत्तर दिलंय. पाहुयात खासदार नारायण राणे यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न. मुझे मेरा क्वेश्चन है, घरेलू और विदेशी निवेश पिछले 3 साल में जो हुआ है अपने देश में, उससे सरकार संतुष्ट है? फ्यूचर में निवेश बढ़ने के लिए सरकार का प्रयास क्या है? मंत्री जी. सर, माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की है कि आगे और निवेश कैसे बढ़े और क्या हम संतुष्ट हैं कि नहीं. मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि सरकार ने बहुत सारे कदम ऐसे उठाए हैं जो FDI को बढ़ाने की दिशा में हैं, और उसमें FDI पॉलिसी में भी बदलाव जो लाए गए और FIB को ख़त्म किया गया, वो एक बड़ा कदम था. इंट्रोडक्शन ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड सर, जिसके कारण लाखों करोड़ रुपया बैंकों का वापस भी आया, और उसके कारण विदेशी कंपनियों का और विश्वास भारत में बढ़ा है. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सर, वो एक शुरुआत शानदार की गई, उसको लागू शानदार ढंग से सभी राज्यों ने मिलकर किया है, उसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव विदेशी निवेशकों पर पड़ा, जिसके कारण उसमें बढ़ोतरी हुई. स्पेशल विंडो लास्ट माइल फंडिंग रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए, कि उनकी कंप्लीशन के लिए किया, उसका लाभ हुआ सर. और हाल ही में सर, कुछ महीने पहले माननीय वित्त मंत्री जी ने कॉरपोरेट टैक्स रेट कट, जो ऐतिहासिक है, 30% से कम करके एक मात्र 15% किया है, कि हिंदुस्तान में निवेश हो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, उसका भी एक बहुत बड़ा लाभ मिला सर. इसमें एक छोटा सा, इसमें आंकड़ों से पता चलेगा कि क्या फ़र्क है सर. 2004 से 2009 तक $113 बिलियन की FDI है. 2004 से 9 तक $113 बिलियन, 2009 से 14 तक $157 बिलियन, और 2014 से 19 तक $284 बिलियन सर. तो लगातार ये बढ़ती चली जा रही है, जो अच्छी नीतियों की पहल. सेकंड सप्लीमेंट्री नारायण जी. जी, अपनी निवेश बढ़ती जा रही है, तो मुझे जानकारी चाहिए कि इसमें पिछले 3 साल में रोजगार निर्माण कितना हुआ? क्योंकि इसके आंकड़े अलग अलग मंत्रालयों से, विभागों से आते हैं, NSSO इसका अपना भी देता है. लेकिन सर, एक बात तो ये है कि जितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भविष्य में भी लगेंगे, उससे भी रोजगार उत्पन्न होंगे, जो पूर्व में लगे हैं उसके कारण भी. और रोजगार के सर अवसर अलग अलग जगह से, पहले केवल सरकारी नौकरियों की ओर देखा जाता था, तो उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में बढ़ावा मिला, और आहिस्ता आहिस्ता सर एक बदलाव आपको देखने में मिला होगा कि रोजगार के साथ स्वरोजगार के अवसर बहुत बड़े हैं. और सर, स्टार्टअप्स में जहां भारत कहीं खड़ा नहीं होता था, भारत के युवाओं ने अपनी क्षमता दिखानी शुरू की, और सरकार की पॉलिसी से स्टार्टअप्स के लिए जो एंजल टैक्स रिमूव किया सर, उसके कारण, और बाकी जो निर्णय लिए उसके कारण ये लाभ हुआ कि दुनिया के पहले 5 स्टार्टअप्स नेशन में भारत का नाम आया है, तो भारत के युवाओं के कारण और स्टार्टअप्स के कारण. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी सर्वप्रथम पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह यूट्यूब चॅनल, आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.